हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट फूड विद नेहा। आज मैं आप सभी को मेदू वड़ा की रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बिना मोल्ड के आज मैं इसे बनाऊंगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम उड़द दाल को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देंगे। अच्छे से धोकर इसके पानी को हम ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डाल दूंगी। हम इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे, बिल्कुल टाइट पेस्ट। पानी हम इसमें सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टुकड़े अदरक के डालूँगी और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल टाइट पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे फेंट लेंगे। फेंटने के लिए आप हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं। इसे फेंटने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगता है। बहुत ही जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है, इंस्टेंट मेदू वड़ा। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो लगभग 10 मिनट हो गया है, तो अब हम इसे चेक करेंगे। एक कटोरे में थोड़ा पानी ले लीजिए और इसमें छोटा बॉल डालकर देखिए बैटर का। अगर ये ऊपर आ जाए दैट मीन्स ये फेंट कर रेडी है। तो अब ये बैटर मेदू वड़ा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मेदू वड़ा में सबसे इम्पॉर्टेंट कोकोनट डलाता है, नारियल। इसे कट कर हम डाल देंगे। हींग डाल देंगे, करी पत्ता डालना है और इसमें क्रस्ट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च और धनिया पत्ता बारीक काट कर डाल दें। भी को हम अच्छे से मिला लेंगे। चलिए अब मैं बताती हूँ कि हाथों से आप मेदू वड़ा कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हाथ में आप पानी या ऑयल लगा लें और जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे हम बैटर ले लेंगे और बीच में ऐसे होल कर देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हम अपने हाथों से ही बिना मोल्ड के मेदू वड़ा बना सकते हैं। तो हम तेल को पहले से गरम कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। उड़द दाल से बना हुआ वड़ा जो होता है वो फ्राई होने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इसे धीमी आँच में ही रखेंगे। गैस की फ्लेम को शुरू में हम हाई रखेंगे, बाद में हम इसे लो करके मेदू वड़ा फ्राई करेंगे ताकि अंदर से ये अच्छे से पक जाए। इसी तरह से पलट कर हम दोनों साइड से इसे फ्राई कर लेंगे। मेदू वड़ा को हम इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे मेदू वड़ा को फ्राई कर लेंगे और इसे हम सांभर और नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। नारियल की चटनी मैंने अपने वीडियो में पहले डाला हुआ है, आप वहाँ से इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक को डाल दूंगी। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से सॉफ्ट, ये टेस्टी मेदू वड़ा बनकर रेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।